वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रहलाद सिंह। मैं क्या हूँ आज आपके लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के लोअर नॉन कोर डेटा का ये नेक्स्ट क्लास। और इस क्लास में हम लोग आपको पढ़ाएंगे आज आउटलाइन क्लासिफिकेशन, वो भी किसका, लोअर नॉन कोर डेटा एंड हायर नॉन कोर डेटा का। तो दोनों क्लासेस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस पूरे बंडल में। तो चलिए आइए डील करते हैं आपके साथ ये नया क्लास। तो पेन कॉपी रख, जो भी निकाल के बैठना है बैठ जाओ। इस पूरे जितने भी स्लाइड्स पे आपको दिखेंगे पॉइंट्स ऑफ पॉइंट्स, आप उसको क्या करेंगे पूरा का पूरा नोट कर लेंगे, ताकि आपका पूरा पूरा नोट्स भी इसी साथ तैयार हो पाए। तो चलिए चलते हैं। यदि आपको ये वीडियो किसी के माध्यम से मिला हो, या फिर आपके बगल में आपके स्टूडेंट्स, या फिर आपके साथ पढ़ने वाले मित्रगण यदि कोई भी होगा, तो उसको इसका लिंक शेयर कीजिए बिहार क्लासेस का, ताकि उसके साथ बच्चे जुड़ पाए एंड वो भी अपने पूरे पॉइंट्स को समझ पाए कि किस पॉइंट्स ऑफ व्यू से पूरा पूरा हमारा सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो बीएससी फर्स्ट ईयर है वो क्लास 11 12th नहीं है, यहाँ पे डिटेल पढ़ने होते हैं। और डिटेल पढ़ने के लिए आपको फ्री इंस्टीट्यूट की जब बात आएगी, तो वो आपका वीएनआर क्लासेस ही दिखेगा। ठीक, क्योंकि वीएनआर क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा पूरा डिटेल कराता है आपके साथ। तो चलिए बड़े चलते हैं अपने आज के इस कैटेगरी में। तो मेरे पास आपसे बताया जाए कि मेरे पास चार कैटेगरी हैं, इसमें कोई कैटेगरी किसी भी स्टूडेंट को भी चाहिए वो हमको कंसीडर कर सकता है। यदि बात करें आज के क्लासिफिकेशन पे, तो आज का आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे इनवर्टिब्रेट की बात कर रहा है। आप इसके साथ जा सकते हैं, ये हेडिंग्स है, बड़ी सी हेडिंग्स है, तो एकदम लिखो एकदम जबरदस्त हेडिंग्स और तैयार हो जाओ मेरे साथ। चलते हैं यहाँ पे एनिमल किंगडम के पास। कहाँ पे? एनिमल किंगडम के पास। तो देखो प्यारे, ये जो एनिमल किंगडम है यानी जंतु जगत की बात करते हैं हम लोग, जंतु जगत की जब बात करते हैं, इसके दो सब किंगडम निकल के आते हैं, जिसका नाम बोला जाता है क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि देखो डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम, पहला प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। यानी हमारे पूरे प्रोजो एनिमल्स होंगे, उसके दो हमारे क्या होंगे, सब किंगडम होंगे। कौन कौन? प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ दोनों को ध्यान देना, ठीक, इस चीज को आपको याद आ जाएगा। ये एनिमल पॉपुलेशन के हिसाब से बताया गया है कि जो एंटायर जो फन्ना होता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में पाए जाने वाले जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं, उसको हम लोग फन्ना बोलते हैं। ठीक, तो पूरे वर्ल्ड की हम लोग फन्ना की बात कर रहे हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। और हम लोग एक लार्ज ग्रुप ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इसको देखते हैं। एंड सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दोनों पॉइंट्स को, यानी दोनों सब किंगडम को। इन दोनों सब किंगडम में हमारे पास जो पहला आ रहा है मेटाजोआ, पहले उसी के बारे में बात कर लें, फिर चलेंगे यहाँ पे हम लोग दूसरे की बात करेंगे, यानी मेटाजोआ की बात करेंगे। पहले प्रोटोजोआ की बात करते हैं। देखो बात कर रहा है प्रोटोजोआ का, तो प्रोटोजोआ हमारा सब किंगडम फर्स्ट हो जाएगा। और इसमें क्या बोल रहा है, इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे कैसे होंगे भैया, यूनिसेलुलर होंगे। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, इस चीज को ध्यान देना। यानी ये एक कोशिकी वाले होंगे, ध्यान देना इस पॉइंट्स को, मतलब कभी पूछे तो कोई भी इनमें डिफरेंस आपसे। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, खासकर एनिमल्स की बात करें तो किस किंगडम में पाए जाएंगे या किस सब किंगडम में पाए जाएंगे, तो आपको प्रोटो यहाँ पे प्रोटोजोआ याद होना चाहिए। एंड अगर दूसरा बात कर रहा है यहाँ पे, ये कैसे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं भैया, हमारे प्यारे प्यारे अखियों से दिखाई नहीं देंगे, इनको माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारे प्रोटोजोआ दिखाई देंगे। ओके, याद रहेगा। एंड यहाँ पे नो टिश्यूज यानी कोई भी टिश्यू जैसा नहीं बनेगा, क्योंकि कैसा भैया, ये यूनिसेलुलर है, पहले ही बात हो चुका है। ठीक, तो तीन पॉइंट्स इसके हैं, याद रखना। एंड इसमें एक हमारा प्यारा सा फाइलम आता है, जिसको फाइलम प्रोटोजोआ बोलते हैं। देखो कभी कभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा दिक्कत होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रॉब्लम क्या होती है, उनको सब किंगडम पूछते हैं, सब किंगडम का कोई क्राइटेरिया है नहीं। आप क्लास 11th में पढ़ाया गया था एनिमल डाइवर्सिटी, उसके अंतर्गत हमारे पास प्रोटोजोआ आया था, बट वहां पे डिटेल नहीं कराया गया था, क्योंकि आप बीएससी में आए हो, जूलॉजी पढ़ने आए हो, तो मजे से पढ़ाया जाएगा और अच्छे से आपको दिखाया भी जाएगा। तो ध्यान देना, इसका हमारे पास पहला फाइलम निकल के आता है, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का मतलब होता है फर्स्ट एनिमल, यानी प्रिमिटिव एनिमल्स की बात करता है। प्रोटोजोआंस होते कैसे हैं, इसकी बात करते हैं। पहले हम इसको बात करें, जो प्रोटोजोआंस हैं, लगभग लगभग देखा जाए
तो 50,000 स्पीशीज के हमारे प्रोटोजोआंस देखने के लिए मिल जाएंगे। वो भी कैसे, वो लोग अलग अलग भी रहेंगे, वो लोग साथ साथ भी रहते हैं। कैसे रहते हैं, साथ साथ भी रहते हैं। और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब उनकी सिंगल सेल्स होती है, और सिंगल सेल्स में पूरे पूरे जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक ही सेल में अलग अलग फंक्शंस को रिस्पॉन्स करते हैं। एंड बात करें तो यहाँ पे सिंगल टू मेनी न्यूक्लियाई देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पे बात किया जाए न्यूक्लियाई की, तो यहाँ पे पहले एक न्यूक्लियाई, टू, यहाँ पे मोर देन, मतलब कह सकते हो थ्री या फोर, थ्री कह सकते हो, अधिकतम टू ही देखा गया है मैक्सिमम, तो वन टू थ्री लगभग यहाँ पे न्यूक्लियाई देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बात करेंगे न्यूट्रेशन, न्यूट्रेशन कैसा होगा, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रेशन होंगे, ठीक। एंड यहाँ पे होलोफाइटिक भी होगा। देखो होलोजोइक किसको बोलते हैं, कि वो जानवरों के समान, कैसे जिसे हम लोग हैं, हम लोग के समान कार्निवरस, हर्बीवरस, वैसे ये लोग मटेरियल हैं, ठीक। तो होलोजोइक यानी ये एनिमल की तरह भी भोजन करेंगे, ये प्लांट की तरह भी नॉर्मली भोजन करेंगे। और जो कुछ होते हैं होलोजोइक में वो कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके भी वहां से काम कर सकते हैं। और ये फ्री लिविंग होंगे भैया, अलग अलग हम रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, यानी स्वतंत्र ग्रो कर सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में भी अपने आप को वो जीवित रख सकते हैं। अब बात करें दूसरे नंबर पे, ये कमर्शियल की बात करें, यहाँ पे कमर्शियल की देखो ये सम्बियोटिक टेंडेंसी की बात करें। सम्बियोटिक कैसा मतलब होता है, साथ साथ, तू मेरे साथ, हम तेरे साथ, तू मेरे को कुछ दे, हम तेरे को कुछ देते हैं, वैसे ही साथ साथ सम्बियोटिक कंडीशन होंगे। जस्ट लाइक ऐसे कैसा होगा, ठीक, जैसे अब एक छोटा सा बात करना प्यारे, तो यहाँ पे ये बच्चा होगा, ठीक, ये बच्चा होगा, ये छोटा छोटा देखो दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे कैसे रह रहे हैं, वो साथ साथ रह रहे हैं, ठीक, ये दोनों लोग साथ साथ हैं, तो इनको इन कर, ये जो आपस में मान लेते हैं ये गर्ल्स होगा, ये बॉयस होंगी, ठीक, दोनों यदि साथ साथ रह रहे हैं, इसको कैसा बोलेंगे, सिम्बायोटिक टेंडेंसी बोलेंगे। एक खाना पकाएगी और दूसरा क्या करेगा, दूसरा मार्केट से कुछ लाएगा पकाने के लिए, तो साथ साथ जी रहे हैं। एंड ये पैरासिटिक्स होते हैं, यानी ये रोग फैलाने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, किसी भी बॉडी को होस्ट बनाते हैं और होस्ट बना के वहां से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बड़ा बेस्ट है, ट्रिपैनोसोमा, ठीक, प्लाज्मोडियम एंड ट्रिपैनोसोमा, आपने मलेरिया का नाम सुना होगा, ठीक, आपने निद्रा रोग का नाम सुना होगा, जो स्लीपिंग सिकनेस होती है एंड मलेरिया होता है, वो कहीं ना कहीं प्रोटोजोआंस होता है, वो भी किस टाइप में, वो हमारे होते हैं पैरासिटिक टेंडेंसी के होते हैं। और ये कहां रहेंगे भैया, ये ध्यान देना, ये हमारे फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, साफ जल में रहेंगे, मन भर जाएगा तेरा, मतलब इसका मन भर जाएगा किसका, ये हमारे पास इस एनिमल के जिसको बोला गया प्रोटोजोआंस, प्रोटोजोआंस का फ्रेश वाटर में मन भर गया तो मैराइन में रह सकता है, समुद्र में भी रहेगा। और वो ज्यादातर जो हमारे लोग होते हैं वो कहाँ पे, वो हमारे पास सॉयल में भी देखने, सॉयल पर भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो हमारे मैदानी इलाके हैं वहां भी हमारा पूरा का पूरा हमारा प्रोटोजोआ देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमको लगता है इतना आपको क्लियर हो गया होगा। यदि हम प्यारे से प्यारे एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा, यूग्लिना आ जाएगा, हमारे पास ट्रिपैनोसोमा आ जाएगा, हमारे पास अमीबा आ जाएगा, हमारे पास पैरामीशियम आ जाएगा, मोनोसिस्टिस आएगा, ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक। तो इसके प्लाज्मोडियम भी आ जाएगा, कर लेना। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये इसके स्पेशल कैरेक्टर है जो मैंने छाट के एकदम लिखे, छाट छाट के लिखा गया है, केवल आपको नोट्स बनाने के लिए लिखा गया है। क्लासेस लंबे होंगे, छोड़ के जाना नहीं, मजा आएगा पूरे क्लास में, पूरे क्लास को आप समझ भी पाओगे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा यानी सब किंगडम सेकेंड्स। सब किंगडम सेकेंड में हमारे पास मेटा जो आता है, ये कैसे होंगे भैया, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, यानी एक से ज्यादा कोशिकाएं यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। और बात करें यहाँ पे सेल ऑर्गेनाइज अरेंज होंगे इन लेयर ऑफ टिश्यूज, यानी एक सेल्स का कैसा होगा, एक लेयर होगा, एक बड़ा सा लेयर होगा, और इस लेयर ऑफ ग्रुप को हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे टिशू, क्या बोल देंगे, टिशू को बोल देंगे। अब पता है टिशू टू टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे, एक तो फंक्शंस के बेसिस पे सेम होंगे लेकिन उनकी फिजियोलॉजी अलग अलग होगी ना, मतलब ध्यान देना, उनकी मॉर्फोलॉजी सेम होंगी लेकिन उनकी फिजियोलॉजी अलग अलग होंगी, एक जैसे बने होंगे लेकिन काम डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, और उनका काम एक जैसा होगा लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बन सकते हैं, ठीक। तो आप ध्यान देना, लेकिन यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म मेटाजोआ के अंतर्गत आएंगे वो अरेंज होंगे, किसका, सेल अरेंज होगा उनका इन लेयर्स,
और टिश्यूज के फॉर्म में। एंड जो हमारे मेटाजोआंस होते हैं, मेटाजोआंस की बात करें तो इनको सब डिवाइड किया जाता है, यानी इनको भी देखो इनका पेट उठ नहीं भरा, लोग इनको भी डिवाइड कर दिए, किसमें बोल रहा है थ्री ब्रांचेस के अंतर्गत डिवाइड करते हैं, किसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पे थ्री ब्रांचेस के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास मीसोजोआ, मीसोजोआ पैराजोआ और यू मेटाजोआ, तो ये तीन इसके क्या है सब ब्रांचेज हैं, या कह सकते हो ब्रांचेज हैं। ठीक, तो ये तीनों को याद रखना, कौन कौन हमारे पास, हमारे पास हमारा मेटाजोआ मीसोजोआ आ गया, यहाँ पे पैराजोआ और यू मेटाजोआ, ये तीनों आपको ब्रांचेज याद होने चाहिए। तो चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, हम लोग ब्रांचेज को डील कर लेते हैं। ब्रांचेज हमारा क्या आता है, मीसोजोआ। बात करते हैं जब मीसोजोआ की, तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे डाइजेस्टिव जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट टेंडेंसी के हमारे पास दिखाई देंगे, कैसे इनकम्प्लीट टेंडेंसी के दिखाई देंगे। और बात करें ये कैसा एक्सटर्नल होंगे, कैसे होंगे एक्सटर्नल, सिलेटेड होते हैं, यानी एक लाइन सुनो, इनके बॉडी के ऊपर सिलिया देखने के लिए जरूर मिलेगा। और बोल रहा है नो, और यहाँ पे जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं पाए जाएंगे, एंड टिश्यू भी पूरा पूरा बना नहीं होगा, क्या होगा टिश्यू भी पूरा पूरा बना नहीं होगा, टिश्यू बन रहा होता है, कैसा होता है टिश्यू बन रहा होता है, टिश्यू बनने की बात लोग कर रहे होते हैं भैया, अब टिश्यू इसमें बनेगा। ठीक, एंड बात करते हैं, देखो हमारे पास मीसोजोआ को फाइलम मीसोजोआ के अंतर्गत भी रखा जाता है, यानी इसको बोलते हैं मिडिल एनिमल्स, कैसा मिडिल एनिमल्स यानी बीच वाला एनिमल्स, ना ही वो प्रोटोजोआ है और ना ही पूरा टोटली मेटाजोआ बन पाया है। ठीक, अब बात करें इसमें लगभग लगभग 50 स्पीशीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये कैसे होते हैं वार्म लाइक होते हैं, कैसे वार्म लाइक, और स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड स्मॉल होते हैं, काफी छोटे होते हैं, और ये स्पेशली बात करें तो जो हमारे मेराइन क्या होते हैं, मेराइन्स के इनवर्टिबेट्स होते हैं उस पे वो पैरासाइटिक टेंडेंसी पे, इंडो पैरासाइट्स काम करते हैं, क्या इंडो पैरासाइट्स काम करते हैं, इंडो पैरासाइट्स के रूप में जो हमारा मेराइन्स के जितने भी इनवर्टिबेट्स होते हैं उन पे वो काम करते हैं। बोला कि बॉडी विथ ऑन आउटर सिंगल लेयर ऑफ सिलेक्टेड डाइजेस्टिव सेल इंक्लूडिंग होगा, इस चीज को ध्यान देना यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान देना यहाँ पे कि बोल क्या रहा है कि यहाँ पे सिंगल सिंगल लेयर के इनकी बॉडी के ऊपर एक सिलेटेड लेयर लगा होगा, जो आगे चल के पूरी तरीके से भी बात किया जाए तो रिप्रोडक्शंस के दौरान, कैसे रिप्रोडक्शंस के समय वो काम कर रहा है और वो रिप्रोडक्शन के समय काम भी करेगा, उस चीज को ध्यान देना। ठीक, यदि एक लाइन हम लोग बोले तो ये ज्यादा से ज्यादा जो हमारे होते हैं, ठीक कहां से ये ज्यादा जो एनिमल्स होते हैं वो अंतः परजीवी के रूप में होते हैं, क्या होते हैं अंतः परजीवी के रूप में होते हैं, और इनके सिलिया इनके शरीर के ऊपर एक सिलिएटेड और कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सेल्स लगे होते हैं। ठीक, और ये बताएं एक लाइन बोलता है कि ये एक से अधिक जनन कोशिकाओं को कहीं ना कहीं अपने सेल्स के अंदर रखते हैं, यानी बोल क्या रहा है कि वन एंड सेवरल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी एक से अधिक रिप्रोडक्टिव सेल्स इनके बॉडी में देखने के लिए मिल जाएगा। डाइसीमिया है, डाइसीमिया और यहाँ पेरिसोफ्लोरा इसका बेस्ट एग्जांपल है, इन दोनों एग्जांपल्स को आप साथ ले जाइएगा, ठीक आपको काम देगा। तो एक लाइन यदि हम लोग ओवरव्यू ले यहाँ पे मीसोजोआ, तो बोल देंगे कि इनको मिडिल एनिमल्स यानी मध्य जंतु भी बोला जाता है, इनमें 50 स्पीशीज होगा, वार्म लाइक यानी पतले से ये एनिमल्स, कैसे ये पतले से एनिमल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, कहां जा रहे हो आप, ठीक कैसे पतले से एनिमल देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड क्या बोलता है भैया कि ये कैसे सिलेक्टेड होंगे, इनके बॉडी पे सिलिया पाया जाता है लेकिन इनके बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स डेवलप नहीं होता है, और ये इंडो पैरासाइट्स के रूप में, कैसे इंडो पैरासाइट्स के रूप में जितने भी समुद्र में पाए जाने वाले नॉन कॉर्डेट्स हैं उनके ऊपर ये उपस्थित होते हैं और वहां से उसको होस्ट बना के उसको न्यूट्रिशन लेते रहेंगे उनके पास से। एंड देखा जाए तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के दो हमारे पास सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन करने में काम आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया डाइसीमा है, तो डाइसीमा को ध्यान देना, तो डाइसीमिया को एक स्पेशली कैरेक्टर्स हैं, एक स्पेशली एग्जांपल्स हैं, कभी टाइम मिलेगा तो हम दोनों को अलग अलग यहाँ से पढ़ा देंगे आपको। अब चलते हैं हम लोग दूसरे की बात करते हैं, यहाँ पे पैराजोआ ब्रांच नंबर 2 की अब बात करते हैं, पैराजोआ की,
बोलता क्या है यहाँ पे डाइस्टू सेल्स मैंने यानी डाइस्टू सेल जो होगा वो अलग मतलब ढेर सारे होंगे। वो कैसे होंगे भैया? इंटरनल होंगे ठीक। उसके बाद यहाँ पे फैजिला से बने होंगे एंड नो डाइजेस्टिव कैविटी। ध्यान देना यहाँ पे डाइस्टू सेल्स तो होंगे लेकिन यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होगा एंड माउथ मतलब माउथ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा ठीक। और उसके बाद बोल रहा है कि जो टिश्यू होंगे वो प्रॉपरली डिफाइंड होंगे ठीक। कैसा होगा? टिश्यू डिफाइंड होंगे, टिश्यू काफी अच्छे से देखने के मिल जाएगा। किसके अंतर्गत? बैरा जोआ के अंतर्गत। एंड जो ऑर्गन्स होंगे वो अब्सेंट होंगे, टिश्यू डेवलप हो गया होगा लेकिन यहाँ पे ऑर्गन्स नहीं बने होंगे ठीक। ध्यान देना टिश्यू बन गया होगा, ऑर्गन्स नहीं बना होगा। तो मल्टीपल चॉइस करते समय कभी आपको ये ध्यान रहे कि किसकी बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले पूछेगा कि फुल डेवलप टिश्यूज किस किंगडम में पाया जाता था या किस सब किंगडम में पाया जाता था, तो आप या किस ब्रांच में पाया जा रहा है। यदि वहां पे पैराजोआ की बात आता है तो आप लोग दिखाइएगा कि पैराजोआ के अंतर्गत हमारे पास टिश्यू प्रॉपरली डिफाइंड होते हैं ठीक और ऑर्गन वहां पे अब्सेंट होते हैं। यदि बात करें फाइला की तो फाइला यहाँ पे हमारा प्यारा सा फाइला निकलता है ठीक। यहाँ पे पैराजोआ से पोरीफेरा निकल के आता है तीसरे नंबर पे ठीक। यहाँ पोर बेस की बात करते हैं ठीक कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें पोर काफी ज्यादा डेवलप होता है और इनको स्पंज लाइक भी बोला जाता है। ये स्पंज जैसे बिहेव करते हैं, बिहेव कर उनके स्पंज होते ही है ठीक। अबाउट लगभग लगभग इनमें देखा जाए कि 5000 स्पीसीज देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इनके बॉडी रीजन की बात कर रहा है, बॉडी रीजन कैसे होते हैं? इनरेगुलर होते हैं। कैसे होते हैं? इनरेगुलर होते हैं विथ न्यूमरस पोर, यानी एक से अधिक उनके पास अनेकों पोर देखने को मिलेंगे। एंड इनके बॉडी में एक सिस्टम्स होता है जिसको वाटर कैनाल सिस्टम्स के नाम देते हैं। क्या? इनके अंतर्गत वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा। क्या? कैनाल सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है किसमें? पोरीफेरा के अंतर्गत ठीक। वो भी कैसे फॉर्म में? वो भी लीनियर फॉर्म में, लाइन लंबे। कुछ हमारे जो एनिमल्स होते हैं उसमें लंबा सा कैनाल सिस्टम दिखेगा ठीक। अभी हम इसको पढ़ाएंगे भी, डिटेल करेंगे तो आपको पोरीफेरा डिटेल किया जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां पे कि यहाँ पे लाइन्स होते हैं एंड वो फैसिलिटेड से कॉलर्स को हो सकते हैं। एंड यहाँ पे कोइनोसाइट्स, ये देखो बड़ा अच्छी चीज है। कोइनोसाइट्स मतलब वो एक कह सकते हो कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स के कुछ सेल्स होते हैं उससे बना हुआ हमारा होता है वाटर कैनाल ठीक। एंड उनके बॉडी में हमारे पास कोइनोसाइट्स भी मिलेंगे एंड फैसिलिटेड कॉलर सेल्स भी दिखते हैं। लगभग लगभग आपको बताऊं प्यारे कि इसमें लगभग लगभग 17 टाइप्स के सेल्स दिखाई देते हैं। कितने? 17 टाइप्स के सेल्स हमारे पोरीफेरा के अंतर्गत दिखाई देते हैं। जैसे हमारे जो ह्यूमन है, ह्यूमन बॉडी की जब बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में लगभग लगभग आपको बात करें तो 215 टाइप्स, कितना? 215 टाइप्स के सेल्स दिखाई देते हैं ठीक हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। एंड बात करें जो स्कल्टन होगा कैसा होगा, म्यूटेंट की बात कर रहा है कि स्कल्टन भी देखने के लिए मिलेगा। वो भी इंडो स्कल्टन होते हैं। कैसे होते हैं? एंडो स्कल्टन होते हैं। वो कैसे? और वो भी स्पेशल स्पिकुल्स यानी काटे लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ आएंगे। वो भी किसके साथ? स्पॉन्जिन फाइबर। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका? इनमें स्पिक्यूल्स होते हैं, कांटे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको स्पिक्यूल्स का नाम देते हैं। कि आखिरकार जो हमारे स्पिक्यूल्स होंगे वो किससे बने होंगे? वो हमारे पास स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होंगे। एंड बात करें ये साथ साथ भी रहते हैं, मतलब सोलिटरी मतलब ये अलग अलग भी रहेंगे एंड कॉलोनियल यानी ये साथ साथ ग्रुप बना के भी अपने साथ रह सकते हैं। एंड ये एसेसाइज यानी एक जोड़ा बना के एक पेयर के साथ पूरे पूरे कहाँ पे रहेंगे? मेराइन में होते हैं। और कभी कभी ये फ्रेश वाटर में भी देखने को मिल जाते हैं, जो बहता हुआ फ्लो फ्रेश वाटर होता है उनके साथ वो देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स में लेके सुलोनिया हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है, साइफा है, साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे किसके? पोरीफेरा के। तो ये चीज आप याद रखिएगा, आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ। हमारे पास तीसरा हमारा ब्रांच आता है ठीक, यूमेटाजोआ। यूमेटाजोआ क्या कह रहा है? जो हमारा पास बोल रहा है कि यहाँ पे मेनी सेल, कैसा बोल रहा है कि मेनी सेल एनिमल होंगे, काफी ज्यादा सेल इनमें देखने को मिलेगा, वो भी ऑर्गन बन गया होगा एंड माउथ होगा इनमें अंदर, डाइजेस्टिव कैविटी भी पाया जाएगा। एंड इनको कितने? सब डिवाइडेड इंटू दो पार्ट, मतलब टू ग्रेड में डिवाइड कर दिया गया, किसमें? रेडिएटा और बाइलेटेरिया। तो रेडिएटा को देख लेते हैं पहले और बाइलेटेरिया को भी देखेंगे। तो ग्रेड हमारे पास फर्स्ट आता है रेडिएटा।
बोलता है ये रेडियल सिमेट्री के होंगे, कैसे होंगे, रेडियल सिमेट्री होगा और उसके साथ साथ इनमें स्पेशल बोले तो टेंटिकल्स देखने के लिए मिलेगा, ढेर सारा क्या टेंटिकल्स देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इनके अंदर क्या मिलेगा स्पेशली बोले तो ये कैसे होंगे, डिप्लोब्लास्टी होंगे, मतलब एक्जोडर्मिक और मीसोडर्मिक लेयर, मतलब सॉरी मीसोडर्मिक को छोड़कर एक्जो और एंडोडर्मिक पाया जाएगा, मीसोडर्मिक लेयर यहाँ पे एब्सेंट होता है। एंड जो एनिमल्स होंगे उनमें ऑर्गन्स की बनावट होने लगती है। और इसके बाद यहाँ पे हम बात करें डाइजेस्टिव कैविटी की, तो वो ओपन होगा एक्सटर्नली, मतलब बाहर की ओर कहाँ पे, हमारे माउथ के तरफ हमारा डाइजेस्टिव कैविटी ओपन होगा। ओके, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब चलो हम लोग चलते हैं आगे। ठीक, अब बात करें कि रेडिएटा को भी डिवाइड कर दिया गया है कहाँ पे, फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा जो हमारे पास है, दो फाइलम इसके बनाए गए हैं, सिलेंट्रेटा हमारा एक फाइलम है और एक फाइलम जो है वो टिनोफोरा है। तो पहले हम सिलेंट्रेटा को देख लेते हैं। सिलेंट्रेटा बोलता है क्या, होलोस्टेंटाइन्स, मतलब यहाँ पे खाली और सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। एंड ये स्पेशल नेटल, नेटल जैसा, मतलब नेट एक कंडल लाइक स्ट्रक्चर के जैसा होते हैं, जिसको हम लोग सिलेंट्रेटा में देखते हैं, लगभग 10,000 स्पीशीज देखेंगे। एंड की जो सिमेट्री होती है वो कैसी होगी, रेडियल होगी। ठीक, कैसे होगी, रेडियल होगी, वो अपेयरिंग मतलब बन रही होती है, लगभग अपेयर्स होती है। ठीक, लगभग इसमें वो बाइलैटरल, कैसा, रेडियल होगा, वो बाइलैटरल भी देखने में मिलता है। एंड इसमें खासकर टू लेयर, कैसे टू लेयर्स के सेल्स होते हैं, कभी कभी थ्री लेयर्स भी देखने के लिए मिलेगा। और जो हमारे ब्रांच माउथ होते हैं, माउथ पे स्पेशली क्या लगा होता है, टेंटिकल्स लगा होगा, क्या होगा, टेंटिकल्स लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट्स बोलते हैं। क्या, निमेटोसाइट सेल्स का बना हुआ टेंटिकल्स होता है, क्या करता है, जो बाहर के आए हुए जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे सुरक्षा भी करता है। एंड यहाँ पे बोल रहा है कि सैक लाइक गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी देखने के लिए मिलेगा। आखिरकार ये गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी क्या है, ध्यान समझना, यदि ये ऐसी कैविटी एक पाई जा रही है तो इसमें क्या होगा, ये दोनों हमारे सेल लेयर होंगे, कैसे, ये हमारे सारे सेल्स होंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारे ये सेल्स होंगे, लेकिन ये जो पूरा बीच में स्थित है इसी को हम लोग गैस्ट्रो लेयर सॉरी गैस्ट्रो वैस्कुलर कैविटी बोलते हैं, जहां से पूरा पूरा जो वाटर सिस्टम होता है, क्या, यहाँ से हमारे पास वाटर सिस्टम H2O जो होता है वो एक दूसरे से, मतलब एक पार से दूसरी पार तक जाता रहता है। और ये कैसे, साथ साथ एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर्स के साथ होंगे, वो भी कभी कभी फ्री सेविंग भी काम करते हैं, कैसा, सेसाइल्स होते हैं। और ये सोलिटरी मतलब अलग अलग भी रह सकते हैं और कॉलोनिया मतलब साथ साथ भी रह सकते हैं। एंड ये समुद्र में भी देखने मिलेंगे और फ्रेश वाटर में भी देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हाइड्रा, ओबेलिया, ऑर्लिया, फॉरलस, तो आपको दिखाएं ये जो तीन आपको बताया जा रहा है, हाइड्रा, ओबेलिया, ऑर्लिया, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपको पढ़ाया जाएगा, डिटेल इसका पूरा पूरा डिटेल कराया जाएगा। तो यहाँ पे हम कम टाइम लगाते हैं, हम चलते हैं, जब वहां पढ़ेंगे तो डिटेल कर लेंगे, वैसे भी आपको आउटलाइन ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं। अब बात करेंगे दूसरा हमारे पास आ जाएगा पांचवें नंबर पे, टिनोफोरा। टिनोफोरा की बात करें तो ये कैसे होंगे, कॉम जेली होते हैं, जेली मतलब जो जेली होते हैं, जेली लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, लगभग 90 स्पीशीज के साथ आएंगे। बात करेंगे इनकी सिमेट्री की, इनकी सिमेट्री कैसा होगा, यहाँ पे बाई रेडियल सिमेट्री होता है, कैसा होता है, बाई रेडियल सिमेट्री होता है। इनमें दो टेंटिकल्स मिलेगा और आठ, ये बहुत बेस्ट चीज है, इस चीज को याद रखना कि दो टेंटिकल्स देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आठ लॉन्गिट्यूडनल रॉ दिखाई देते हैं। ये जो रॉ होते हैं वो सिलेटेड होते हैं, कैसे होते हैं, सिलेटेड प्लेट के बने होते हैं। ठीक, मतलब कुल मिला जुला इनकी बॉडी इतनी बड़ी है, तो यहाँ से यदि टेंटिकल्स दो, कितना, दो टेंटिकल्स निकला है, तो इनके बॉडी में आठ ऐसे, कैसे, आठ ऐसे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, क्या होंगे, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, इसको लॉन्गिट्यूडनल रॉ के नाम से हम जानेंगे। अब क्या हो रहा है, इनमें लोकोमोशन होता है, वो भी किससे, प्लेट के द्वारा, किसके, प्लेट के द्वारा, यानी जो प्लेट्स होते हैं उसके द्वारा इनमें लोकोमोशन होगा, लेकिन इनमें निमेटोसाइट देखने के लिए नहीं मिलता, इनमें एनस डेवलप नहीं होगा, ये फ्री स्विमिंग करते हैं और समुद्र में करते हैं, मतलब साथ साथ तैरेंगे, अलग करेंगे, घूमेंगे, तैरेंगे, और लेकिन वो समुद्र में ही तैरेंगे, फ्रेश वाटर में देखने के लिए नहीं मिलते। एंड बात करें इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारे पास आता है, टीनो, क्या, टीनो प्लाना जो है, टीनो प्लाना एंड सिनो प्लाना, जो टीनो प्लाना एंड सिनो प्लाना है, ये दो बेस्ट एग्जाम्पल्स आते हैं। उसके बाद हमारे अगले बोराई, बेराई बोलते हैं, बेराई भी आ जाएगा, उसके बाद हमारा कोस्टल आ जाएगा, कोस्टाई बोलते हैं इसको, कोस्टम बोलते हैं, कोस्टम भी आ जाएगा। तो ये अलग अलग कुछ है, खासकर इन दोनों को याद रखना,
ये दोनों आपको कभी कभी आ जाएंगे याद रखने के लिए। ठीक, यदि बात करते हैं ग्रेड नंबर बी की, बायलेटेरिया। बायलेटेरिया की जब बात करते हैं स्टूडेंट, कैसा बोलेगा कि ये कैसे होंगे, बायलेटरल सिमेट्री के होंगे, ये ट्राइब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, मतलब तीनों लेयर पाया जाएगा। कौन तीनों लेयर? तीनों जर्म लेयर। कौन कौन? एक्सोडर्मिक, मेसोडर्मिक और एंडोडर्मिक, मतलब इनमें तीन लेयर डेवलप होगा। ये हमारे पास क्या होगा, एक्टो होगा, क्या होगा यहाँ पे, एक्टो होगा, ये हमारा मीसो होगा और ये हमारा कौन सा होगा, इंडो होगा। ठीक, यानी एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म तीनों लेयर यहाँ पे देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे ऑर्गन नहीं, ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाता है। बात करेंगे डाइजेस्टिव डक्ट की, तो यहाँ पे डाइजेस्टिव डक्ट भी, हमारा डक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, कहां से पूरा एनस तक कंप्लीट होगा। और इसमें बोल क्या रहा है, मीसोडर्म प्रेजेंट है, तो भैया मीसोडर्म पहले से ही प्रेजेंट है। एंड बात करेंगे इनको भी डिवाइड कर दिया गया, इतना ही इनका पेट नहीं भरा तो इनको डिवाइड क्यों बोला, बोल क्या रहा है कि बायलेटेरिया को डिवाइड कर दिया गया है टू सब डिविजन में, एक हमारे प्रोटोस्टोमिया एंड डिटोरोस्टोमिया। आखिरकार क्या होते हैं प्रोटोस्टोमिया और डिटोरोस्टोमिया, चलो उसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। और ये पूरे जूलॉजी आप पढ़ रहे हो, इंटर तक तो बड़ा कम पढ़ाया जाता है इसके बारे में, लेकिन बीएससी में हर एक पॉइंट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोटोस्टोमिया है, कौन सा डिटोरोस्टोमिया है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन दोनों के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने पॉइंट्स तरफ, बात करते हैं डिवीजन नंबर फर्स्ट किसको, डिवीजन नंबर फर्स्ट की जब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे प्रोटोस्टोमिया। तो प्रोटोस्टोमिया की जब बात करें तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे क्लीवेज जो होता है वो स्पेरिल होगा। ठीक, उसके साथ साथ यहाँ डिटरमिनेट होता है, मतलब निर्धारित होता है। ठीक, मतलब क्लीवेजिंग डिटरमाइनिंग होगा, मतलब काफी अच्छा हम निर्धारित कर सकते हैं। एंड उसके साथ जो बोल रहा है कि जो माउथ होता है वो पूरी तरीके से क्या, ब्लास्टोपोर, क्या ब्लास्टोपोर के लगभग पास होता है। एंड प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत यदि बात करें तो इनमें डिवाइड इनके होते हैं चार छोटे छोटे, हमारे कह सकते हो ग्रुप बनाए गए हैं, क्या चार छोटे छोटे हमको ग्रुप बनाए जाते हैं। आखिरकार जो ग्रुप बनाए गए हैं ब्रेन्स के द्वारा, तो इनमें चार जो ग्रुप है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। ए सिलोमेटा की बात कर रहा है, स्पोरोसिलोमेटा की बात कर रहा है, लिपो स्पोरो फेरोसिलोमेट की बात कर रहा है, एंड साइजो सिलोमिक और सिलोमेट जो होते हैं, सिलोमेस सिलोमेट होते हैं, उनकी बात कर रहा है। तो ये देखो चार इनके जो क्या है, ये स्पेशली सब डिवाइडिंग पार्ट है। ठीक, इनको सब डिविजन बोलते हैं। अब देखो यहां से स्टार्ट होता है हमारा पूरी नई सीरीज। ठीक, नई सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं, काफी डिटेल देखेंगे, क्या देखेंगे, काफी डिटेल देखेंगे। ठीक, तो इन तीनों में हमने क्या देखा, इस चीज को आपको ध्यान रहे। ठीक, कौन कौन हमने, ठीक याद रहेगा कौन कौन, पहला एसिलोमेट, ठीक एसिलोमेट, ठीक उसके बाद स्पोडोसिलोमेट, और यहाँ पे लिफोफेरेट की बात करेंगे, किसको, लिफोफेरेट की बात कर लेंगे, यहाँ पे साइजोसिलोमेट की बात कर लेंगे। तो इनको चारों को जब हम लोग डिटेल करते हैं, जिसमें भी फाइलम आएंगे, जैसे इसमें भी फाइलम आएंगे, यहाँ पे सब डिविजन फर्स्ट कह रहा है ए सिलोमेट। ठीक, ए सिलोमेट में बोल रहा है कि नो बॉडी कैविटी, यानी कि यहाँ पे बॉडी कैविटी नहीं पाया जाएगी, सिलोम देखने के लिए नहीं मिलेगा। और बोल रहा है कि स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी। ठीक, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि हमारी जो बॉडी, यहाँ पे बॉडी कैविटी है, ध्यान से ना, इतनी बड़ी बॉडी है, तो बोल क्या रहा है कि स्पेस होगा कहाँ पे, जो बॉडी वॉल होगी उसके बीच, मतलब यहाँ पे ये बॉडी वॉल हो गई, ये भी बॉडी वॉल हो गया। ठीक, और लेकिन जो डाइजेस्टिव कैविटी, यानी इनके बीच जो ये डाइजेस्टिव कैविटी होगी, तो इसके बीच ये क्या पाया जाएगा, स्पेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और यहाँ पे मीसेनकाइम किसके द्वारा, यहाँ पे ये जो पूरा पूरा एरिया होगा किसके द्वारा भरा होगा, ये भरा होगा मीसेनकाइम यहाँ पे, और पैरेन्काइम जो होता है, पैरेन्काइमा मीसेनकाइमा, इन दोनों के प्रेजेंटेशंस के वजह से ये जो खाली खाली स्थान दोनों तरफ पाया जा रहा है, ये खाली स्थान यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, अब देखो, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा हम और आगे बढ़े। ठीक, अगले नंबर बात करते हैं, इसमें कुछ फाइलम भी आते हैं, फाइलम नंबर 6 आता है। ठीक, प्लैटिहेमेंथीज, इसको फुट वर्म के नाम से हम लोग जानते हैं, कैसे, फुट वर्म के नाम से जानते हैं। बोल क्या रहा है कि अबाउट 15,000 स्पीसीज देखने मिलेगा, और जो बॉडी होगा वो डार्सल वेंट्रल फ्लैटेड होता है, मतलब ठीक कि डार्सल होगा, डार्सल वेंट्रल तरीका इनमें देखने मिलेगा। और ये कैसे होंगे, ये स्पेशल डार्सल वेंट्रल के साथ साथ होंगे, और डाइजेस्टिव डक्ट इनमें पाया जाएगा, वो भी ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर्स में, और कभी कभी एब्सेंट होता है, लेकिन एनस इनमें डेवलप नहीं होगा। कैसा होगा, एनस डेवलप नहीं होगा, ना ही इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होगा,
एनस भी डेवलप नहीं होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी डेवलप नहीं होगा, ये फ्री लिविंग होते हैं, अकेले रह जाएंगे, पैरासाइट्स होते हैं, समुद्र में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रह लेंगे एंड ये जमीन पे भी रह लेते हैं। क्या कभी कभी ये टोरेस्ट्रल में होते हैं, मतलब जमीन पे भी रह लेंगे। एंड बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, तो प्लेनेरिया, फैसिओला हिपैटिका, टीनिया सोलियम, ये तीन बेस एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास प्लैटाहेनमेंथीज के। तो प्लैटाहेनमेंथीज में तीन एग्जाम्पल्स हैं, इन तीनों को आप जानते रहिएगा, किसको, प्लेनेरिया को, फैसिओला हिपैटिका को और टीनिया सोलियम को। अब बात करते हैं अगले फाइलम की। देखो अगला फाइलम, अब यहाँ तक तो बड़ा बेस था, ये जो फाइलम आपको पढ़ाया जा रहा है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि कौन कौन फाइलम इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला फाइलम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाएगा। क्या ये वाला फाइलम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाएगा, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि जो जो नहीं पढ़ाया जाएगा उसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स नीचे दिया जा रहा है, जितना भी आपके लिए जरूरी है मैं उसके लिए पढ़ा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद ही आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। एंड बात करें अगले पॉइंट्स की, अगले पॉइंट्स में बात करें यहाँ पे स्पोडोसिलोमेट की बात कर रहा है, ठीक। तो स्पोडोसिलोमेट की बात करें तो ये भी जो हमारा फाइलम है, ठीक, इसमें बोल रहा है कि जो बॉडी कैविटी होगा क्या होगा, इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो भी कैसे होगी, स्पोडोसिलोमेट की बनी होगी, ठीक, मतलब कुट गुहिका होगी। एंड ये ब्लास्टोसिल्स, मतलब स्पेशली ऐसा देखा जाए इनमें प्रेजेंट होगा क्या, यहाँ पे ब्लास्टोसिलोमिक कंडीशंस प्रेजेंट होता है और मीसोडर्मिक पाए जाएंगे, और इनमें नया चीज आ जाएगा क्या, एनस डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनस डेवलप हो जाएगा, इस चीज को ध्यान देना, और ये भी आप याद कर लेंगे, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, ओके। क्या ये बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे अपने पास, ठीक। अब बात करते हैं अगले पास आता है अगला नाइन फाइलम भी बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, ठीक, इस चीज को ध्यान देना, लेकिन आप इसके बारे में जानते रहेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, आपके पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो बीएससी फर्स्ट ईयर में है, ठीक। ये जो पीपीटी बनाया गया था वो यूपीएससी के लिए बनाया गया था, ध्यान देना, यूपीएससी एंड एमएससी के लिए बनाया गया था, लेकिन आपको भी इसी पीपीटी से पढ़ा दे रहा हूँ, बट जो जो जरूरी है जो आपको बता दे रहा हूं आप उसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सुपर फाइलम हमारे पास आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्काहेलमेंथीज, ये आपको देखने के लिए मिल सकता है। क्या ये स्पेशली मिल सकता है, इसको हम सैक वर्म्स के नाम से जानते हैं, क्या सैक वर्म्स के नाम जानते हैं, इनमें सैक लाइक हमारे वर्म पाए जाएंगे, ठीक। ये स्पोडोसिलोमेट के ही पार्ट होते हैं, क्या स्पोडोसिलोमेट्स के ढेर सारे हमारे असेंबल स्पोडोसिलोमेट्स होते हैं, और इनपे देखने के लिए क्या मिलता है, इंटीरियर माउथ देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक, पोस्टीरियर एनस, मतलब एक ऐसा पार्ट होगा जिसको यहाँ की तरफ क्या होगा, इंटीरियर यानी माउथ होगा, और नीचे की तरफ हमारा बॉडी के क्या होगा, यहाँ पे एनस होगा, ठीक। और इनमें जो डाइजेस्टिव ट्यूब, मतलब इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्यूब पाए जाएंगे, और ये कैसे होते हैं, इक्वेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, इक्वेटिक होते हैं, इक्वेटिक मतलब ये जलीय होते हैं, एंड ये कैसे फ्री लिविंग, मतलब अकेले भी रह लेंगे, मतलब मम्मी पापा की जरूरत नहीं पड़ती, ये अकेले ही रह लेंगे। और बोल रहा है क्या, ये एपिजोइक होते हैं, मतलब कैसे एपिजोइक, मतलब दूसरे के साथ भी ये रह लेंगे, एंड ये पैरासिटिक कंडीशन दिखाते हैं, मतलब किसी को होस्ट बनाकर अपने गेस्ट बन के वहां पे रह लेंगे। एंड बोल रहा है कि इंक्लूडेड 5 क्लासेस, मतलब इनमें 5 क्लासेस भी कहीं ना कहीं इंक्लूड कर दिया गया है, क्या 5 क्लासेस भी इनमें इंक्लूड कर दिया गया है, वो भी कौन सा, यहाँ पे रेटिफेरा दिख रहा है, क्या रेटिफेरा दिख रहा है, रेटिफेरा के बाद आपको दिख रहा होगा अगला जो रेटिफेरा के बाद है गैस्ट्रोट्राइका है, गैस्ट्रोट्राइका भी आपको दिख रहा है, गैस्ट्रोट्राइका के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास काइनोरिका है, तो काइनोरिका भी आपको दिख रहा होगा, ठीक। निमेटोडा ये आपको पढ़ाया जाता है, ये हमारे बीएससी जो हमारा फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको ये पढ़ाया जाएगा, कौन सा, निमेटोडा, ठीक, तो निमेटोडा मिल जाएगा। उसके बाद अगले की बात करते हैं, तो निमेटोडा के बाद ठीक जो हमारा अगला है उसको निमेटो फार्मा बोलते हैं, क्या निमेटो फार्मा, तो निमेटो फार्मा भी आपको, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, केवल क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है निमेटोडा, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, ठीक। अब बात करते हैं अगले फॉर्म में, तो ये देखो ये हमको पढ़ाया नहीं जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में है नहीं, ये भी सिलेबस में नहीं है, आप इसको बस केवल आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, ये भी बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, लेकिन ये है निमेटोडा, बीएससी फर्स्ट ईयर में है, रूल नंबर 13, इसको देख लेते हैं।
इसको बोलते हैं राउंड वर्म। क्या देखते हैं? राउंड वर्म, लगभग 12,000 स्पीशीज इसमें आते हैं, और जो उनकी बॉडी होती है वो सिलेंडर लाइक होती है। कैसी होती है? सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक, ये गोलाकार स्ट्रक्चर साथ आएंगे। और इनमें बात करें, इनमें टंग जो एरिया होगा वो भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड इसके साथ हम ये बात में बात करें, ये रेडियल, कैसे ये रेडियल होंगे एंड बाइलेटरल टेंडेंसी में होते हैं, ठीक। और इनमें स्ट्रक्चर्स में देखें तो इनका कैसा होता है, राउंड स्ट्रक्चर्स देखने में मिलता है। ये फ्री लिविंग होंगे, पैरासाइट्स होते हैं, कैसे होते, फ्री लिविंग होंगे, पैरासाइट्स होंगे, फ्रेश वाटर, मेराइन एंड सॉयल, ठीक, मतलब तीनों जगह मिलेंगे आपको, समुद्र में मिल जाएंगे, नदियों में फ्रेश वाटर मिल जाएगा और सॉयल मिल जाएगा। इनमें सबसे अच्छा है जो हमारा एग्जांपल हमको जो बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना है वो पढ़ना है स्कैरिस। क्या पढ़ना है? स्कैरिस पढ़ना है, यहाँ पे ब्राउचेरिया ब्रैंकियोपटाइल पढ़ना है, ठीक, यहाँ पे एस्कोस्ट्रोमा पढ़ना है। तो ये तीन को आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक, इन तीनों को याद करके रखिएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे, आगे हमारे पास ये जो दो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है इसका कोई मतलब नहीं है, बीएससी फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया भी नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिपोफेरेट की बात करता है, लिपोफेरेट सिलोमेट, तो हमारा तीसरा सब डिवीजन आता है। यहाँ पे बोल क्या रहा है, सिलोम हमारा डेवलप होने लगेगा साइजोसिलोमिक कंडीशन में, जिसको एंटीरो सिलोमेट कहते हैं, मतलब धीरे धीरे डेवलपिंग कंडीशन आने लग रहा है। और इनमें बोल क्या रहा है, ये क्राउन एंड होलो टेंटिकल्स, कैसे क्राउन एंड होलो टेंटिकल्स लिपोफोर, कैसे लिपोफोर पाए जाएंगे, कहां पे, सराउंडिंग माउथ की तरफ, मतलब माउथ होगा इस पे, क्या होगा यहाँ पे, टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे वो किसके, लिपोफोर्स के, ठीक। आगे बोल क्या रहा है, इनमें बोल रहा है कि हेड एस्टेटिक, मतलब सॉरी, इनमें स्पेशल कंटेंडेंसी की बात करें तो इनके बॉडी के अंतर्गत देखा जाए तो हमने क्या देखा कि लिपोफोर देखने को मिलेगा, वो भी कहां पे, सराउंडिंग मतलब माउथ के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिल सकता है, ठीक। आगे बात करें तो इनमें जो हेड होता है वो हम आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते, इनमें सर सही तरीके से नहीं बनेगा। और जो डाइजेस्टिव डक्ट होता है वो यू शेप का होता है, कैसा होता है, वो यू शेप का हमारा डाइजेस्टिव डक्ट इनमें मिल जाएगा, इसमें लिपोफेरेट सिलोमेट के जितने भी एनिमल्स होते हैं, ठीक। और इनमें भी कुछ ग्रुप पढ़ाए जा रहे हैं, किसमें, इसमें भी कुछ ग्रुप है, लेकिन ये ग्रुप, ये भी फाइलम, ये भी फाइलम, ये तीनों फाइलम बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लो, जो नहीं है मैं इसको नहीं पढ़ा रहा हूं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक। अब बात करते हैं आगे, ठीक, अगले नंबर पे हमारे पास साइजोसिलोमेट होते हैं, ठीक। क्या साइजोसिलोमेट सिलोमेट होते हैं, तो इनको देखें तो इनका जो सिलोमिक कंडीशंस होता है वो साइजो सिलोमेट होता है। मैं बताऊंगा कभी कि साइजो कैसे होते हैं, चारों को बताऊंगा कि सिलोमिक कंडीशंस होते कैसे किसी वीडियो में, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप ध्यान देना कि इनमें स्पेशल पूरी पूरी जो बॉडी होती है वो कैसे साइजो सिलोमेट की बनी होती है, ठीक, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और इनके बीच में स्लिपटिंग देखने के लिए मिल जाएगा, क्या, स्लिपटिंग देखने के लिए इनके बीच में मिल जाएगा, ठीक, इस चीज को याद रहे। और इनमें ये दोनों जो हमारे स्पेशल फाइल नंबर 18, फाइल नंबर 19, ये भी नहीं पढ़ने हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में। आप स्क्रीनशॉट करना होगा तो कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, आपको एमएससी में काम देगा वैसे। आपको आगे बात करें, अब देखो, लेकिन इनके अंतर्गत उनको मोलस्का पढ़ाया जाता है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में है। मोलस्का की बात करते हैं, ये बोलता है सॉफ्ट ब्लडेड, बोल रहा है ब्लडेड बॉडीज होते हैं एनिमल्स के, लगभग 80,000 एनिमल्स इनमें देखने के लिए मोलस्का मिल जाएंगे। और इनमें लगभग लगभग जो बॉडी होती है वो अनसिगमेंटेड होती है, कैसी होगी, सॉफ्ट होगी लेकिन अनसिगमेंटेड होती है, विथ वेंट्रल मैस्कुलर फुट, यानी इनमें वेंट्रल मैस्कुलर फुट यानी आगे की तरफ एक पैर होगा जो मसल्स के बने होंगे, और ऊपर सर, मतलब इनके बॉडी पे क्या पाया जाएगा, थिन लेयर स्ट्रक्चर होता है जिनको मेंटल बोलते हैं, और इनमें ग्लैंड्स धीरे धीरे पाए जाएंगे, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होने लगता है। और ये कहाँ रहेंगे, ये उसमें लाइन भी बना रहेगा, यानी जो मेंटल होता है उस पर लाइनिंग होती है, और फ्रेश वाटर एंड मैराइन दोनों, समुद्र जो है, घोंघा है, वो इसी में आता है। देखो बोल रहा है ना कि पाइला बोल रहा है, और उसके बाद हमारा सीप बोल रहा है, ठीक, तो इसकी बात हम लोग करेंगे, और ये वाला ग्रुप नहीं पढ़ना है, तो ये वाला ग्रुप पढ़ना था, इसको आप डिटेल कर लेंगे, ओके। अब बात करते हैं अगले नाम की, एनलिडा भी हमको पढ़ना है, एनलिडा को देख लेते हैं। वहां पे इनको रिंग्ड, क्या, रिंग्ड वर्म के नाम से जानते हैं एनलिडा को, फाइल नंबर 22 की बात कर रहे हैं। अबाउट लगभग 7,000, कितना, सॉरी,
8700 स्पीसीज इनमें देखने के लिए मिल जाता है। और जो उनकी बॉडी लेयर है, क्या है बॉडी, जो है बॉडी कैसी होती है, वो अनडिफाइंड होती है। कैसे होती है बॉडी, अनडिफाइंड होती है। ये कैसे थ्रीड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर्स के साथ ये नजर आते हैं। लेकिन ये कैसे होते हैं, ये नंबर यानी न्यूमेरिकल के पॉइंट्स पे इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, और ये स्टीटी इनके अंदर स्टीटी पाया जाता है, जिसके द्वारा ये लोकोमोशंस करते हैं। और जब तक ये जमीन पे रहते हैं, कुछ समुद्र मिलेंगे और कुछ फ्रेश वाटर मिलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है क्या, अर्थवर्म नेरिस लीच, हार्डमानिया की बात करते हैं, सॉरी हिडनेरिया की बात कर लेते हैं। और ये जो फाइल नंबर 23 है, इसका मतलब बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है। ठीक, आगे अगले नंबर पे आपको ये देखो पढ़ाया जाएगा 24। 24 भी हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन 25 को पढ़ना है। ठीक, 25 को पढ़ना है, तो आगे देख लेते हैं। ज्वाइंट फुटेड एनिमल होते हैं, कैसे होते हैं, ज्वाइंट फुटेड एनिमल होते हैं। और ये पूरे क्लासिफिकेशन का, क्या पूरे क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा फाइलम है। लगभग 96,000, कितना 96,000 स्पीसीज इनमें देखने के लिए मिलता है। कितना, 96,000 स्पीसीज इनमें देखने के लिए मिल जाता है। और इनकी जो बॉडी होती है वो सिगमेंटेड होती है, वो ज्वाइंटेड मतलब ज्वाइंट्स होती हैं। कैसे ज्वाइंट्स इनमें देखने मिलेगा, इंडोस्पर्टन मिलता है, किसका, काइटिन का। इनके ऊपर एक इंडोस्पर्टन एक पाया जाएगा, वो भी काइटिन की बनी होगी, काइटिनस होती है। एंड जो सिलोमिक होती है वो कैसा होगा, वेंट्रल तरीके से मिलेगा। और बॉडी कैविटी डेवलप होती है, वो भी कैसा, हिमोसिल के फॉर्म में। और ये जमीन पे भी रह लेंगे, फ्रेश वाटर में भी और समुद्र में भी रह लेते हैं। सबसे भी हम बात करें प्रॉन की, झींगा मछली, स्कॉर्पियन, बिच्छू की। ठीक, तो आपको सेंटीपीड आपको दिखाई दे देगा। ठीक, आगे अगले नंबर पे, ये आपको भी बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट कर लो, नोट्स बनाने के लिए काम आ सकता है। ठीक, अब बात करेंगे डिटोरोस्टोमा की। डिटोरोस्टोमा की यदि बात करते हैं स्टूडेंट, तो डिटोरोस्टोमा हमको ये देखना होता है कि यहाँ पे जो क्लीवेज होता है वो रेडियल होता है। कैसा होता है, रेडियल होता है, और वो इनडिटरमाइन होता है। कैसा होता है, इनडिटरमाइनेट होता है, मतलब सही तरीके से हम देखें तो यहाँ पे क्लीवेज को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और जो माउथ होता है, यहाँ पे माउथ की बात कर रहा है, माउथ पूरी तरीके से डेवलप होता है। क्या होता है, माउथ डेवलप होता है, वो भी यहाँ पे कैसे, यहाँ पे बोलता क्या है, ब्लास्टोपोर। क्या, ब्लास्टोपोर द्वारा एक माउथ की डेवलपिंग क्राइटेरिया होगा। अब बात करता है सब डिविजन की, सब डिविजन भी यहाँ पे किया गया है। नंबर फर्स्ट की बात करता है किसको, यहाँ पे एंटीरो जो सिलोमेट्स होते हैं उनकी बात कर रहा है। आखिरकार ये उसी में आएंगे भैया, तो इनको देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्पेशल लोग हैं। ठीक, तो सिलोम क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो सिलोम होगा क्या होगा, सिलोम इज इंटेरोसिलोम, इंटेरोसिलो की बात कर रहा है, इंटेरोसिलो होती है। इसका मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान देना, मतलब यहाँ पे एम्ब्रियोनिक जो गट होता है, क्या एम्ब्रियोनिक गट एक पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक गट भी मिलते हैं, जहां से नोटोकार्ड का धीरे धीरे डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। क्या होता है, नोटोकार्ड का डेवलपमेंट इसी एम्ब्रियोनिक गट गट के पास, मतलब बाद स्टार्ट धीरे धीरे होने लगते हैं, किसमें, किसी भी एनिमल्स के बॉडी के अंतर। ठीक, आगे बात करते हैं, जो अगला हमारा फाइलम नंबर 27 है, इसको भी बीएससी फर्स्ट ईयर में रिकमेंड नहीं किया गया है। ठीक, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर में हमारे पास क्या दिखेगा, इकाइनोडर्मेटा। लेकिन 28 हमको पढ़ना है इकाइनोडर्मेटा। ये हमारे पास एक ऐसे एनिमल्स लगभग लगभग 6,000 स्पीशीज के साथ आते हैं। कैसे, 6,000 स्पीशीज के साथ आते हैं। और ये सिलेंडर टास्क का खासकर वो बताया जाए कि ये काफी ज्यादा कह सकते हो कि वेरिएबल टेंडेंसी के होते हैं। कैसे, वेरिएबल टेंडेंसी के होते हैं। और इस इनमें खासकर रेडियल सिमेट्री की बात करें कि इनमें रेडियल सिमेट्री होता है, और इंडो स्कल्टन भी देखने को मिलेगा, वो भी प्लेटेड मिलेंगे। एंड इनके बॉडी में ढेर सारे एक्सटर्नल स्पिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, एक्सटर्नल स्पिक्यूल्स होते हैं। और इनके सिलोम का एक पार्ट जो होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी बनाता है। और जो इनमें ध्यान देना यही कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम हमारे किसमें, इकानोडर्मेटा में पाया जाता है। एंड जो लोकोमोशन होता है वो यहाँ पे ट्यूब फीट होता है, ट्यूब फीट होता है। खासकर इसमें एक एग्जाम्पल काफी अच्छा है, कौन सा, स्टार फिश। ठीक, बाकी है याद करना, कोई दिक्कत नहीं, याद कर सकते हो। लेकिन फाइनल नंबर 29 हमको नहीं पढ़ने हैं, कोई इसका इंपॉर्टेंट बीएससी फर्स्ट ईयर में नहीं है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलते हैं आगे स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास बोलता है हेमिकॉर्डेटा। क्या बोलता है, आगे हेमिकॉर्डेटा की बात करता है।
हेमी कॉर्डेटा को मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा दिया है, वो कॉर्डेटा के ग्रुप में आपको मिल जाएगा। इसका डिटेल भी है लेकिन हम पढ़ लेते हैं। लगभग इकॉर मॉर्म के नाम जानते हैं, 80 स्पीशीज मिलेंगे और जो इनका बॉडी होता है वो कैसा होगा, वो वार्म लाइक होता है एंड डिवाइडेड होता है इनकी बॉडी किसमें, प्रोबोसिस में, कॉलर में और ट्रंक में, यानी बॉडी तीन रीजन में डिवाइड होगा। और इनमें गिल स्लिट भी देखने को मिलेगा। और जो एम्ब्रियो होता है, क्या एम्ब्रियो होता है, वो लैकिंग कंडीशन में मिलता है। और इनमें लोगो मतलब ट्रॉपिकल नोटोकार्ड एंड मेरेना, मतलब ये समुद्री होते हैं लेकिन उनके पहले ये कैसे होते हैं, इनके अंदर नोटोकार्ड का डेवलपमेंट होने लगता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है एक वर्म, मतलब ब्रेनोग्लॉसस इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो आज का ये क्लास आपके लिए कंप्लीट होता है। ठीक, तो काफी टाइम लग गया, प्यास भी लग गई, लेकिन आप वीडियो को सबमिट कर लिए, थैंक्स इसके लिए। तो आप नोट्स का कवर कर लेंगे, जितना मैंने बताया कि वो जो जो पॉइंट नहीं है आप उसको क्लासिफिकेशन करेंगे लेकिन उसके बारे में नहीं जानेंगे तो भी कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद।